हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में समाकलन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.1 में जितने भी सवाल हैं सबको हम लोगों ने इससे पहले तक की वीडियो में कवर कर लिया है। आगे जो दूसरा प्रश्नावली है, आइए इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको कैसे हल करेंगे उसके लिए थ्योरी पढ़ेंगे, सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, जो दूसरे प्रश्नावली में सवाल दिया गया है, मैंने यहाँ लिख रखा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो दूसरे प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए इनका समाकलन करने के लिए बस कहा गया है। अब यहाँ हेडिंग मैंने जो लिखा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल दिया गया है 2x/1+x² और कहा गया कि इसका समाकलन कीजिए। ध्यान से समझिएगा, समाकलन करना है तो इससे पहले हम लोग समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे, इसमें dx लगा लेंगे। अब इसको कह लेंगे कि यह i है, i मतलब इंटीग्रल यानी कि समाकलन। अब इसका समाकलन करेंगे कैसे, क्योंकि ऐसे 2x/1+x² ऐसे तो कोई सूत्र पढ़े नहीं किसके समाकलन का सूत्र क्या होता है। तो समझिएगा यहां इस कंडीशन में, यदि देखिए तो जो हर में है 1+x², इसको हम लोग कुछ मान ले, माना 1+x², इसको हम लोगों ने कह लिया कि यह t है। और ध्यान रखिएगा यहां जो t लिखा जा रहा है यह एक चर राशि है। क्या है? चर राशि। और दोनों पक्षों का हम लोग अवकलन करें, किसके सापेक्ष? दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सवाल हल कर रहे हैं समाकलन का, लेकिन इसमें अवकलन क्यों कर रहे हैं तो समझिएगा। प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन किया जाता है उसमें आएगा ये अवकलन का भाग हम लोग को करना पड़ेगा। क्या? तो देखिए, जैसे ये हर में 1+x² को हम लोगों ने t कहा है, अब इसके बाद इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यानी कि ddx(1+x²)=ddx(t). अब इसके बाद 1 अचर संख्या है, अवकलज 0 हो जाएगा और x² का अवकलज 2x बनेगा, ddx(t). तो यहां से समझिएगा, हर में देखिए तो 2x dx है ना, 2x dx, तो यहां से देखिए तो 0+2x बनेगा, और 2x के साथ यदि मैं dx को लिख दूं तो 2x dx बराबर क्या बनेगा? dt। 2x dx बराबर क्या बन रहा है? dt। तो अब एक काम कीजिए, इसको बना दीजिए समीकरण एक, और समीकरण एक में, समीकरण एक में 1+x² की जगह हम लोग क्या रखेंगे? t रखेंगे। 1+x² बराबर t तथा 2x dx बराबर dt रखने पर, रखिए तो ये क्या बनेगा? i=∫2xdx, इसके जगह क्या लिख लेंगे? dt/1+x² को क्या माना है हम लोगों ने? t ना, तो यहां लिख लेंगे t। इसके बाद समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, i=, अब ये जो लिखे हैं इसको देखिए तो क्या ऐसे हम लोग कह सकते हैं ∫1/t dt। जैसे मैंने आपको समाकलन का सूत्र बताया है कि ∫1/x log x या फिर log mod x होता है, दोनों में से कोई सूत्र लिख सकते हैं, log x लिख लीजिए या फिर log mod x, मैंने लिखवा रखा है। बिल्कुल इसी तरह से 1/t dt आ रहा है, तो इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को log t या log mod में t लिख लेंगे। mod में लिखेंगे t तो भी सही है, अगर मॉड नहीं लिखते केवल लॉग टी लिख लेते हैं तो भी ठीक है। प्लस अपन इसे एक स्वीक्ष अचर जोड़ लेंगे, क्या? सी। अब ये जो सवाल दिया गया है तो क्या यह टी के रूप में दिया है? एक्स के रूप में है ना, हम लोगों ने इसको टी के रूप में बनाया है 1+x² को टी कह के, तो फिर अंत में यहां जहां टी आया है इसके जगह 1+x² रख लेंगे। तो रख लिया जाए i=log और एक्स की जगह या t के जगह रख लेंगे 1+x², तो log और mod में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से ये जो पहला सवाल है दूसरे प्रश्नावली का, इसको हम लोगों ने हल कर लिया। और ये जो हम लोगों ने समाकलन किया तो क्या किए हैं इसमें, तो समझिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने कुछ विस्थापित किया, क्या विस्थापित किया, टी रखा। तो प्रतिस्थापन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी, और फिर सबसे अंत में टी की जगह जो टी आया उसकी जगह रख दिया मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ मान विस्थापित कर रहा है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी रख रहा है, तब अवकलन कर रहा है, टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख रहा है। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी और 2x dx बराबर dt रखा जा रहा है, मतलब प्रतिस्थापन का कार्य किया जा रहा है ना, और इसी वजह से ये जो समाकलन है इसको कहा जाता है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, तो मैंने जो आपको पहला सवाल समझा ये प्रतिस्थापन द्वारा है, इसका समाकलन किया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे समझते हैं दूसरा जो सवाल है। देखिए जो दूसरा सवाल दिया गया है, log x का स्क्वायर है अपॉन एक्स है, और कहा गया कि इसका समाकलन कीजिए। समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे और यहां dx लगा लेंगे। अब समाकलन को हम लोग इंटीग्रल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो लिख लेंगे I इज इक्वल्स टू, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसके लिए कोई सूत्र ऐसे तो डायरेक्ट पढ़े नहीं है कि इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां। तो ये log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx है, इसका समाकलन करना है। तो हम लोग को ध्यान यह देना है कि किसको मानना है। जैसे log x है तो log x को यदि हम लोग कुछ मानते हैं और अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन जाएगा 1 अपॉन x। तो देखिए मैं क्या करता हूं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये log x का स्क्वायर, और ये जो अपॉन में x है क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x dx। अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, log x को मान लेंगे कुछ, माना log x बराबर t, इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ log x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t बनेगा। तो log x का अवकलज क्या होता है, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ddx ऑफ t। ध्यान से समझिएगा, यहां से 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx बराबर क्या बनेगा, dt ना। तो 1 अपॉन x dx की जगह मिल जाएगा, 1 अपॉन x dx की जगह इसमें रख लेंगे हम लोग क्या, dt। तो एक काम करते हैं, इसको बना देंगे समीकरण एक, और इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक में log x के जगह हम लोग t रखेंगे, तो लिखेंगे log x बराबर t तथा 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx बराबर dt प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो प्रतिस्थापित किया जाए इसमें, तो I इज इक्वल्स टू, समझिएगा, log x को t कहे हैं हम लोग, तो log x की जगह t रख लेंगे, तो t का स्क्वायर ना, t स्क्वायर 1 अपॉन x dx इसके जगह क्या, dt, यहां बन जाएगा dt। अब किस सूत्र से हल करेंगे इसको, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है x टू दी पावर n dx का सूत्र, कि होता है सूत्र x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसमें n का मान माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n का मान जो है यह n का मान माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसी के जैसा है ये वाला, अंतर क्या है, इसमें x के रूप में है और ये t के रूप में है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा, अब क्या बन जाएगा ये वाला, तो समझिएगा, t टू दी पावर n प्लस 1, यानी कि n की जगह 2 है ना, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और समाकलन का काम हो गया है, तो अपने से एक स्वेच्छ अचर हम लोग c जोड़ लेंगे। आगे हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो I इक्वल्स टू t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, समाकलन तो हो गया,
लेकिन ये किसके रूप में समाकल है, टी के रूप में, और टी हम लोगों ने किसको कहा है, लॉग एक्स को। तो फिर अंत में टी के जगह क्या रख लेंगे, लॉग एक्स। तो आई इक्वल्स टू टी के जगह रख लेंगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, और यही जो दूसरा सवाल है इसका समाकलन हो गया। तो इस तरह से दूसरा सवाल हल हो गया, आप इसको नोट कीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग तीसरा जो सवाल है। देखिए जो तीसरा सवाल दिया गया है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, अब इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह यहां डी एक्स लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे कि यह आई बराबर है, आई का मतलब है इंटीग्रल। मैंने आपको जितने सवाल बताया है सब में मैंने आई लिखा है, और आपको भी दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि समाकलन का जब भी सवाल दिख गया तो उसको लिख लेना है आई बराबर, मतलब इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स मीन समाकलन। तो आगे हल किया जाए, तो आई जो कल्स टू, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, वन अपॉन, और ये बताइए ये एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स जो है इन दोनों से एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। और समझिए आई इक्वल्स टू क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स इनटू, और ये जो वन अपॉन एक्स है इसको यहां मैं लिख दे रहा हूं वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब समझिएगा किसको मानेंगे हम लोग टी, तो यहां वन प्लस लॉग एक्स है, यदि 1 प्लस log x को t कह लेते हैं तो 1 का अवकलज शून्य हो जाएगा और log x का अवकलज मिल जाएगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x dx के जगह आराम से विस्थापित कर लेंगे मान। तो क्या कह रहे हैं, लिखेंगे हम लोग माना 1 प्लस log x बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ddx लगाएंगे, ddx ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो आगे इसको हल किया जाए, तो वन का अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और लॉग एक्स का अवकलन, वन का अवकलन शून्य, लॉग एक्स का अवकलन मिलेगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहां से देखिए तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या बनेगा dt। तो क्या करेंगे, इसको बना देंगे समीकरण एक, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए समीकरण एक, और समीकरण एक में, समीकरण एक में वन प्लस log x के जगह t रखेंगे हम लोग, वन प्लस log x बराबर t, तथा तथा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी रखने पर, रखिए तो समीकरण क्या है, I इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन और 1 प्लस लॉग एक्स के जगह t रख लेंगे, t इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स के जगह डी टी लिख लेंगे, ऐसा बनेगा। अब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी क्या बनेगा, लॉग मॉड टी प्लस, अब यहां समाकलन हो गया है तो अपने से एक्सप्रेशन जोड़ लेंगे C। अब I इक्वल्स टू लॉग, और हम लोगों ने T किसको कहा है, हम लोगों ने T कहा है वन प्लस लॉग एक्स को, तो T की जगह लिख देंगे वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, और इस तरह से जो तीसरा सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया है। तो आप सवाल को नोट कर लीजिए और मेरे साथ ही साथ सवाल को जब भी देख रहे हैं वीडियो तो मेरे साथ ही साथ सवाल को खुद से हल करते चलिए, कॉपी पेन साथ में रखिए और सवाल को समझते चलिए, हल करते चलिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ये सवाल आपको समझ में आता है और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लाऊं आपको उसकी जानकारी आपके पास
प्राप्त हो जाए और आप मेरी वीडियो देखकर लगातार मैथमेटिक्स के सवाल को आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।